सौरभ गोगले से जब पूछा गया कि क्या विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप में हिस्सा लेंगे, तो BCCI अध्यक्ष ने कहा, कृपया धोनी से पूछे। धोनी जुलाई में इंग्लैंड में वनडे विश्व कप में भारत के सेमीफाइनल में बाहर होने के बाद से ही नहीं खेल रहे हैं। वह वेस्टइंडीज दौरे पर नहीं गए और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू श्रृंखलाओं में भी नहीं खेले। गांगुली ने जब एक पत्रकार ने धोनी की T20 विश्व कप में खेलने की संभावना के बारे में पूछा तो उनका सीधा जवाब था कि कृपया धोनी से पूछे। गांगुली बोर्ड के 18वीं वार्षिक आम बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। धोनी ने खुद कहा था कि वह टीम से बाहर रहने के बारे में जनवरी तक जवाब नहीं देंगे। गौर होगी गांगुली की अगुवाई वाले BCCI ने रविवार को उसके पद अधिकारियों के कार्यकाल को सीमित करने वाले उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत प्रशासनिक सुधारों में ढिलाई देने का फैसला लिया। BCCI ने इस तरह पूर्व भारतीय कप्तान गांगुली के 9 महीने के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ करने का प्रयास किया। BCCI के 18वीं वार्षिक आम बैठक में ये फैसला किया गया और इसे लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय की स्वीकृति की जरूरत पड़ेगी। सौरभ गांगुली ने धोनी पे साफ इशारा कर दिया कि धोनी खुद मन बना बैठे हैं कि आगे वह वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं। क्या पता धोनी अचानक से ये फैसला ले लें कि वह अब क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं। क्या पता विश्व कप में वो दिखाई दें। ये सब अब धोनी पर निर्भर करता है और सीधा इशारा सौरभ गांगुली भी यही कर रहे थे कि जो भी कुछ है वो धोनी बताएंगे और ये बात किसी को भी नहीं पता। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब क्रिकेट केसरी पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमन यादव, पंजाब केसरी, दिल्ली।